Assalamu alaikum, dosto aur saathiyo, ye radio Navtarang hai, aapki mezban Nighat Nasim, aaj ka program Batoo Batoo mein leke hazir hui hai. Hamare Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide aur Canberra ke sunne wale humse raabta kar sakte hain 0417-457-916 par aur hamare studios ka number hai 9734-6666, 9734-6666. आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम कि हम क्या करें, हम ग्रीफ को कैसे एक्सेप्ट करें और हम कहाँ से जो है वो सॉल्व करें और हम कैसे निपटें इससे. आप क्या कहते हैं, आपके जहन में क्या आता है कि अगर ऐसा कोई हादसा आपकी फैमिली में हो जाता है तो आप क्या करते हैं? यकीनन आपके पास इसका आंसर होगा, लेकिन मैं आपको अपने आंसर्स देती हूँ. सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हीलिंग फैक्टर यह है कि जो उसके करीबी लोग हैं जिसके साथ ये हादसा हुआ है, उसके जो सबसे करीबी लोग हैं वो उसको सपोर्ट करें, वो उसको हौसला दें, वो उसको दिलासा दें. और जिसके ऊपर ये हादसा गुजरा है उसको मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज फॉर गॉड सेक, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीफ, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके साथ यह हादसा हो गया है, प्लीज 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 डू नॉट ग्रीव अलोन. आपको लोगों की जरूरत है, आपको दोस्तों की जरूरत है, आपको अपनों की जरूरत है जिनके साथ बैठकर आप उस खोए हुए शख्स की बातों का जिक्र करें, उसकी बातों को बार बार दोहराएं, उनकी उनकी अच्छी बातों का जिक्र करें, उनकी बुरी बातों का भी जिक्र करें, उनकी उनकी खूबसूरत यादों को शेयर करें. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लॉस को शेयर करें. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप अपने गम को बांट रहे हैं, थोड़ा सा गम मुझे दे रहे हैं, थोड़ा सा गम किसी और के हिस्से में डाल रहे हैं, थोड़ा सा गम किसी और को दे रहे हैं. इस तरह से जो आपकी भरा हुआ दामन था गम से, वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो जाएगा कि आपने अपने गम को का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दूसरे लोगों में बांट दिया है. जब आप बांट देते हैं अपने गम को तो आपका गम कम हो जाता है, आपका दामन हल्का हो जाता है. तो प्लीज प्लीज माय फर्स्ट एडवाइस इज दैट डू नॉट ग्रीव अलोन. जस्ट सिंगल इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हीलिंग फ्रॉम लॉस इज हैविंग द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट your feeling under normal circumstances, then it is important to express them when you are grieving. Sharing your loss makes the burden of grief easier to carry. Wherever the support comes from, accept it and please do not grieve alone. Ab aapne kya karna hai? Connecting to others will help you heal. अगर आप दूसरों से बात करेंगे तो आप जल्दी हील हो जाएंगे. अब आप किन लोगों को चुनें? ठीक है, हमने ये कह दिया कि आपने ग्रीव जो है, आपने अकेले नहीं रोना, आपने अकेले दुखी नहीं होना, आपने अपने गमों को बांटना है. तो फिर हम किन से मिलें? सबसे पहले आप अपने किसी ऐसे दोस्त को, अपने किसी ऐसे फैमिली मेम्बर को ढूंढें जो आपको बहुत प्यारा हो, जिस पर आप एतबार कर सकें, जो अपनी जात में बहुत सफिशिएंट हो, स्ट्रांग हो और उस बंदे के करीब हो जिसको आपने लूज कर लिया है. यानी कि आपकी बॉन्डिंग जो है वो इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, जब मेरी माँ की डेथ हुई, अम्मी जी जब चली गई, तो मेरे लिए मेरे बहन भाई थे सबसे पहले. जब हम सारे बहन भाई बैठकर हम अपने यादों को अम्मी के साथ गुजरी हुई बातों को शेयर करते थे, उनके लिए पढ़ते थे,
उनकी कब्र पर जाते थे, दुआ करते थे और फिर हम एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोया करते थे। तो हमें लगता था एट द एंड ऑफ द डे कि हम थोड़े से हल्के हो गए हैं। मैं सोचती थी उस वक्त भी कि अगर मैं अम्मी जान की डेथ पर नहीं जाती तो मैं कभी भी हील नहीं हो सकती थी, इतने बड़े नुकसान से मैं बाहर नहीं आ सकती थी। तो टर्न टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हीलिंग। तो आपने जो है वजह इसकी ये है कि हम सबको, जैसे मैंने कहा ना कि हम सब बहन भाई आपस में गले मिलकर रोया करते थे, तो हम लोगों को कोई ना कोई शोल्डर चाहिए होता है जिसके ऊपर हम सर रख के रो सकें और अपनी जो है वो बता सकें कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर अकेले आपने फ्यूनरल अरेंज नहीं करना बल्कि सारों ने मिलकर करना है, सब ने मिलकर करना है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर कोई लव्ड वन चला गया है, ये सबसे बड़ा लॉस तो यही है ना, किसी का चले जाना, हमेशा के लिए बिछड़ जाना, तो वो लॉस चूँकि ऐसा है ना, वापस नहीं आ सकता। घर भी बन सकता है, जो दोस्त बाहर के मुल्क चले गए वो वापस भी आ सकते हैं, जो बिछड़ गए हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन जो मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए सबसे बड़ा ग्रीव, सबसे बड़ा लॉस यही होता है। उसके लिए आप ऐसे लोगों के दरमियान रहे जो जिनका वो भी थोड़ा थोड़ा सा नुकसान हो, जैसे कि मेरी माँ किसी की बहन थी, किसी की फूफी थी, किसी की खाला थी, किसी की नानी थी, किसी की दादी थी। तो हम सब अपने अपने रिश्तों के हिसाब से, और बहुत सारी उनकी फ्रेंड्स भी थे, तो हम सब अपने अपने रिश्तों के हिसाब से उनको याद कर रहे थे। और हर शख्स जैसे जैसे याद करता था वैसे वैसे हील हो रहा था। और हम सब ने मिलकर फ्यूनरल अरेंज किया था, हम सब ने मिलकर उनको तैयार किया था आखिरी वक्त रुख्सत के लिए। तो जितना आप लोग मिलकर हम काम करेंगे, उतनी जल्दी जल्दी हम हील अप होते जाएंगे। और ऐसी सूरत में हम चाहे कहीं से भी बिलीव करते हों, हमारा हम मुसलमान हो, ईसाई क्रिश्चियन हो, हम सिख हो, हम बुद्धिस्ट हो, हम हिंदू हो, हमारा जो भी बिलीफ है, हमारा जो भी रिलीजियस बिलीफ है, वो हमको बहुत कंफर्ट देता है। हर रिलीजन के अंदर ये है कि आप उस शख्स जो भी चला गया है उसके नाम का कुछ दान करते हैं, कुछ गरीबों में बांटते हैं, कुछ आप चैरिटी करते हैं, तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होता है। स्पेशली जो उसके अपनी ख्वाहिशें थी कि विल थी, ख्वाहिश थी, या उनकी चीज़ें थी जो आप दे सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी हीलिंग में वो काम करता है। इसके अलावा ग्रीफ, हर शहर में, हर इलाके में ग्रीफ की सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं, वो आपको बहुत छोटे छोटे से लेसन देते हैं कि हाउ वी कैन हील ईच अदर, हाउ कैन वी हील आर सेल्फ। वो छोटे छोटे टिप्स आपको बताते हैं। तो एक सपोर्ट ग्रुप होता है, तो उसमें सारे ऐसे ही लोग आए हुए होते हैं जिनके कॉमन, जिनके लॉस हमारे लॉस से मिलते हैं, इनके कॉमन लॉस, कॉमन ग्राउंड, वो कॉमनैलिटी जो है वो आपको एक सतह पे ले आती है और आप एक दूसरे से कैथारसिस करते हैं अपने दुख, अपने गम का, तो वो वहाँ से हीलिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं बहुत जगहों पर, जो है वो ग्रीफ काउंसलिंग होती है। तो ये तो थी बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि हम अपने ग्रीफ से कैसे, जो इमीडिएट ग्रीफ होता है ना, हम उससे कैसे निपटें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सपोर्ट ग्रुप है, आपका काउंसलर है, जहाँ जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं आपको हेल्प लेनी चाहिए टू गेट बेटर। दोस्तों ये तो मैं हमें पता लग गया कि हम कुछ मतलब कि इस सॉरो और ग्रीफ के दौरान रोना जो है वो कतन जो है वो नहीं कहा, रोना जो है अगर आ रहा है तो ज़रूर रोना चाहिए, किसी को हक नहीं पहुंचता कोई आपको रोके कि आपको नहीं रोना चाहिए कि भाई आप बहुत स्ट्रांग हैं। नहीं, आप कह दीजिए मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने खाना खाने की बहुत ज़रूरत है, पानी डिहाइड्रेशन ना हो ये भी ये ख्याल रखना है, आप ज़्यादा
जो है वो रेस्टलेस ना हो, बल्कि आप अपने सोने का ध्यान भी रखना है ताकि वो सारी जो एग्जॉस्टिंग इमोशंस हैं वो थोड़ा सा जो है वो पीसफुल हो सके। और इसके अलावा ये है कि आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई हॉलीडेज आए, एनिवर्सरीज आए, कोई स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत हो या कोई भी ऐसी जगह हो जिसमें उस शख्स का होना बहुत ज़रूरी होता है और वो नहीं है, तो आपने पहले ही से खुद को प्रिपेयर कर लेना है कि ये वक्त मुझ पर आने वाला है और ये मेरे लिए एक किस्म का ट्रिगरिंग फैक्टर है, यानी कि मुझको वो शेक करेगा, मेरे अंदर से मेरी याददाश्त को मुझे वापस लेकर आएगा और मुझको बहुत इमोशनल कर देगा, तो मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। तो आपको अपनी ज़ात का पता होना चाहिए कि हाउ यू वुड डील विद योर सेल्फ। ज़्यादातर हम स्पिरिचुअली खुद को हील करना चाहते हैं, हम इसको सोचते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से मुश्किल थी और वो हमारी मदद करेगा, वो हमें इससे निकालेगा। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। इसके लिए जो भी आप रिचुअल्स करते हैं स्पिरिचुअल तरीके से, वो आप कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और आप अपनी इन तमाम बातों के लिए पहले से प्लान कर लेंगे तो आपको तकलीफ में बहुत कमी होगी।